अंग्रेजी में स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यदि बेसिक आइडिया दूं आपको एक रफ डायग्राम बना के, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक गोले के पृष्ठ पे स्थित बिंदुओं को किसी समतल में स्थित बिंदुओं के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो त्रिविम प्रक्षेप का मतलब क्या है, गोले के पृष्ठ पे स्थित बिंदुओं की एक-एकी संगतता किसके साथ, समतल के बिंदुओं के साथ। अब ये एक-एकी संगतता का मतलब क्या है, जैसे यूँ समझो कि दो सेट है मेरे पास में, एक वन वन ऑन टू फंक्शन एक तरीके से। ठीक है, एक-एकी संगतता का मतलब ये है कि एक वन वन ऑन टू फंक्शन, एक-एकी आच्छादी फलन। ठीक है, वन वन का मतलब एक एक से जुड़े। ठीक है, और आच्छादक का मतलब होता है इसके सारे बिंदु जुड़ जाएं दूसरे वाले सेट के। ठीक है, तो एक वन वन ऑन टू फंक्शन या एक वन वन ऑन टू मैपिंग डिफाइन करेंगे किससे, किस पे, एक गोले के पृष्ठ के बिंदुओं से समतल के बिंदुओं पर, कि कोई गोला है उसके पृष्ठ पे जो बिंदु हैं उनसे किसी समतल के अंदर जो बिंदु हैं, ठीक है, उन पे एक वन वन ऑन टू मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो इसको बोलते हैं त्रिविम प्रक्षेप या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो रफ डायग्राम बना के बताया मैंने कि समतल का प्रत्येक बिंदु गोले के पृष्ठ के एक बिंदु से जुड़ जाना चाहिए। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, कि समतल के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु गोले के पृष्ठ पे एक बिंदु से जुड़ जाना चाहिए, और ये जो जिस बिंदु से जुड़े ना वो बिंदु अद्वितीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु दो से जुड़ जाए। ठीक है, एक बिंदु केवल एक बिंदु से जुड़ना चाहिए और सारे के सारे बिंदु जुड़ जाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैपिंग डिफाइन करेंगे कि समतल के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु गोले के किसी अद्वितीय बिंदु से जुड़ जाए और सारे बिंदु जुड़े गोले के पृष्ठ के बिंदुओं से। ठीक है, तो एक गोले के पृष्ठ से समतल पर स्थित बिंदुओं पर वन वन ऑन टू मैपिंग या एक एक आच्छादी प्रतिचित्रण डिफाइन करेंगे, जिसे बोलते हैं त्रिविम प्रक्षेप या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ध्यान दें कैसे करेंगे, तो पहले मैं लिख देता हूं कि करने वाले क्या हैं। माना S एक गोला है, ठीक है, जिसका केंद्र मूल बिंदु O है तथा त्रिज्या इकाई 1 है। ठीक है, तो ऐसे एक गोला लिया है जिसका केंद्र तो मूल बिंदु O है तथा जिसकी त्रिज्या इकाई है। इस गोले का समीकरण, तो इस गोले का समीकरण ले लिया मैंने, कैपिटल X स्क्वायर कैपिटल Y स्क्वायर कैपिटल Z स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, यही होगा भाई गोले का समीकरण, पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में, किसी भी गोले का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर z माइनस आर का स्क्वायर, या इसको और कुछ बोल लो f बराबर r स्क्वायर। तो r तो होती है त्रिज्या, h k f होते हैं केंद्र, तो देखो केंद्र मूल बिंदु पे लिया है 0 0, तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और त्रिज्या में क्या बोल रहा हूँ इकाई है, तो r की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो निर्देशांक ले रहा हूँ वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ले रहा हूँ। ठीक है, इस गोले को हम रीमान गोला भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो अवधारणा थी वो सबसे पहले रीमान ने दी थी कि गोले के पृष्ठ के बिंदुओं को समतल के पृष्ठ के बिंदुओं से जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए रीमान के सम्मान में इसको रीमान गोला भी बोलते हैं जिसकी रेडियस 1 हो। ठीक है, इस गोले के केंद्र से आर्गंड समतल, ठीक है, या जिसको सम्मिश्र समतल भी बोलते हैं, गुजरता है। ठीक है, तथा आर्गंड समतल का मूल बिंदु गोले के केंद्र पे ठीक है। तो अब यदि मैं डायग्राम से समझाऊं तो ध्यान दे क्या किया है, सबसे पहले तो एक गोला लिया है, तो इधर समझे, क्योंकि यदि ये चित्र यदि आपके समझ में आ गया ना तो फिर ये थ्योरी अपने आप लिख लोगे आप। तो क्या कर रहे हैं,
ये है कैपिटल एक्स, ये हो गया कैपिटल जेड और ये कैपिटल वाई। ठीक है, ये निर्देशांक लिए मैंने गोले के लिए, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। ठीक है, तो एक तो लिया है गोला, तो एक तो गोला लिया है, और ठीक है ये कोई स्फेयर है। अभी आपको इस हिसाब से भाई स्फेयर एक 3D ज्योमेट्री है, तो तीन अक्ष हैं कैपिटल एक्स, यह है कैपिटल वाई और यह है कैपिटल जेड, तो पूरा का पूरा यूं इस तरीके से, ठीक है, ग्लोब की जैसे कवर करता हुआ तीनों को, और इसके बिल्कुल ठीक है ये जो ओरिजिन दिख रहा है ना आपको, ओ मूल बिंदु, तो बिल्कुल इस गोले के बिल्कुल बीचों बीच से एक सम्मिश्र समतल या जिसको हम बोलते हैं आर्गंड समतल, ठीक है, वो गुजर रहा है इसके बिल्कुल बीचों बीच से कुछ इस तरीके से, क्यों समझे आप, ठीक है, कि कुछ इस तरीके से कि ये सम्मिश्र समतल गुजार दिया, ठीक है इस तरीके से, तो ये जो सम्मिश्र समतल है इसका केंद्र भी वही है मूल बिंदु पे, तो दोनों के केंद्र संपाति है, गोले का केंद्र और जो मूल बिंदु है सम्मिश्र समतल का, ये गोले को बीचों बीच कट करता हुआ जा रहा है। और ढंग से बनाऊँ इस डायग्राम को तो देखो इस तरीके से, अब ये कैसे दिखेगा, अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है एक गोला और एक समतल वृत्त, ये गोला है इसको जब आप समतल से काटोगे तो जहाँ समतल काटेगा वहाँ पर वृत्त बनेगा। उदाहरण भी दिया था आपको कि एक नींबू को जब आप चाकू से काटते हो तो जो नीचे होता है वो एक सर्कल बनता है, ठीक है, तो यहाँ जहाँ ये काटेगा उस जगह एक सर्कल बनेगा, तो कुछ इस तरीके से, यहाँ कहीं जहाँ ये इसको काटेगा एक वृत्त मिलेगा, ठीक है, तो ये एक समतल है, ठीक है, जिसको कोई गोला काट रहा है, ठीक है इस तरीके से। तो क्या किया है, ये गोले का ऊपर का भाग है आधा और ये आधा नीचे का भाग है, बीच में किसने काट दिया, समतल ने, तो ओवरऑल है क्या, जो गोला है उसके लिए निर्देशांक लिए हैं कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, और जो समतल है उसके लिए सेम, ये स्मॉल एक्स अक्ष मान लो, ये स्मॉल वाई, ठीक है, कि जनरली कोई भी सम्मिश्र संख्या हम जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप से लिखते हैं कि स्मॉल जेड बराबर स्मॉल एक्स प्लस आयोटा वाई, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ये निर्देशांक तो हो गए सम्मिश्र समतल के लिए, और कैपिटल एक्स वाई जेड हो गए गोले के हिसाब से। तो एक गोला था उस गोले को हमने सम्मिश्र तल से काटा है या उसके बीचों बीच हमने एक सम्मिश्र तल गुजारा है, ठीक है, तो इस तरीके से, तो गोले का ऊपर का भाग दिख रहा है आपको, ठीक है, फिर बीच में समतल आ गया और फिर ये गोले का नीचे का भाग, ठीक है, ये काम किया है। तो ये जो रचना थी समझ में आ गई, क्या किया इसमें कि भाई एक गोला था उस गोले को समतल से काट दिया, तो एक भाग गोले के ऊपर रह गया, एक गोले के नीचे बीच में समतल है, ठीक है। अब देखो कर क्या रहे हैं, अब मेरे को करना क्या है, मेरा एम क्या है कि इस समतल के ऊपर जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं के रिगार्डिंग या उन बिंदुओं को गोले के एक बिंदु से संबंधित करना, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो ये कोई बिंदु है जैसे, ठीक है, कि ये कोई बिंदु है पी, z बराबर x प्लस आयोटा y टाइप से, तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई जीरो, ठीक है, यदि 3D में बात करूँ तो कि z बराबर x प्लस आयोटा y टाइप से कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई जीरो सम्मिश्र तल में, ठीक है, तो सम्मिश्र तल में z बराबर x प्लस आयोटा y टाइप से है, निर्देशांक स्मॉल x स्मॉल y है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई जीरो। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं एन या उत्तरी ध्रुव, ठीक है, रीमान गोले का,
ये हो जाएगा एस, जिसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, और ये जो एन ओ एस है ये गोले का व्यास है, ठीक है। तो एन को उत्तरी ध्रुव, एस को दक्षिणी ध्रुव, एन ओ एस हो गया गोले का व्यास। ये जो एन है इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 0 1। ऐसा क्यों, ध्यान दे, ऐसा इसलिए गोले की त्रिज्या इकाई है, तो एक दूरी ऊपर और एक दूरी नीचे, कि केंद्र से परिधि की दूरी यही तो होती है त्रिज्या, तो एक त्रिज्या का गोला है तो ये लंबाई एक है, और जेड अक्ष पर स्थित है इसलिए जेड की जगह एक, एक्स और वाई की जगह 0, ठीक है। तो ये एन हो गया, ये पी हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस एन और पी को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एन दिख गया आपको, ये एन है ये पी है, तो मैं एन को पी से जोड़ रहा हूँ। तो देखो जब एन को पी से जोड़ेंगे किसी रेखाखंड से, कि ये रेखाखंड लिया मैंने और इस एन को पी से जोड़ दिया यूं, तो ये जहाँ कट कर रहा है इस गोले को, ठीक है, उस बिंदु को बोल दिया पी स्टार, कि जहाँ पे कट किया ना भाई, जहाँ गोले को काट रहा है उसको क्या बोल दिया, पी स्टार, और इस पी स्टार के निर्देशांक ले लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड इसलिए क्योंकि जो गोला है उसकी इक्वेशन हमने कैपिटल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखी है, क्योंकि उसके लिए निर्देशांक हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड यूज़ किए हैं इसलिए। तो ओवरऑल अब आप देख सकते हो कि इस तरीके से यदि मैं ये काम करता हूँ तो इस गोले के पृष्ठ पे जितने भी बिंदु हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, गोले के पृष्ठ पे जितने भी बिंदु है भाई, यहाँ पे कोई बिंदु होगा उसको इस एन से मिलाऊंगा, वो गोले को कहीं ना कहीं कट करेगा, तो उसके रिगार्डिंग एक बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पे कोई बिंदु होगा उसको गोले से मिलाएंगे, कहीं ना कहीं कट करेगा, एक बिंदु मिल जाएगा। इधर कोई बिंदु होगा मिलाएंगे कट करेगा, एक बिंदु मिल जाएगा। तो 3D ज्योमेट्री है एक तरीके से, जैसे आप समतल को गोले के टॉप से जोड़ोगे तो बीच में कहीं ना कहीं कट कर देगा, ठीक है। तो वो जो कटान बिंदु है उसको बोल रहे हैं पी स्टार। तो हर एक पी के लिए मेरे को पी स्टार मिलेगा। तो समतल के पृष्ठ पे स्थित जितने भी बिंदु हैं उनको गोले के पृष्ठ पे स्थित बिंदुओं के साथ जोड़ सकते हैं, और एक बिंदु के रिगार्डिंग एक ही बिंदु मिलेगा, ऐसे नहीं कि दो तीन मिल जाएं। तो इसको बोलेंगे एक एक ही संगतता, कि एक्चुअल में हमने क्या किया, समतल के पृष्ठ के जो बिंदु थे उनको हमने गोले के पृष्ठ के स्थित जो बिंदु हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और हर एक बिंदु के रिगार्डिंग एक बिंदु मिलेगा। तो एक 1-1 ON-2 रिलेशन डिफाइन हो गया, या 1-1 ON-2 मैपिंग डिफाइन हो गई गोले के पृष्ठ के बिंदुओं से समतल के बिंदुओं पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं त्रिविम प्रक्षेप, ठीक है, कि इस समतल के बिंदुओं को गोले के पृष्ठ के बिंदुओं से जोड़ा है, तो ये काम किया है, ठीक है। जनरली इसका यूज़ कब होता है, मैप बनाने में, जैसे मानचित्र बनाते हैं। अब जो ग्लोब है वो तो एक गोला है, या जो अर्थ है वो तो एक गोला है, लेकिन जब हम मैप देखते हैं तो वो तो एक चार्ट टाइप से होता है ना, तो एक समतल और पृथ्वी एक गोला, तो जो मैप बनाते हैं उसमें इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं अधिकतर बार, ठीक है, कि एक जो गोला है उसके पृष्ठ के बिंदुओं को हम समतल के बिंदुओं से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दें इससे आगे, माना आर्गंड समतल में, तो आप लिख लें अब, तो माना आर्गंड समतल में, ठीक है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, माना आर्गंड समतल में पी जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई कोई बिंदु है, ठीक है, जिसके निर्देशांक एक्स वाई 0 है, ठीक है। तो P कोई बिंदु लिया है जिसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई 0 है। गोले का ऊपरी सिरा N जिसे उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है, के निर्देशांक 0, 0, 1 होंगे, तथा निचला सिरा S है जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, तथा NOS, तो ये जो NOS है ये गोले का व्यास है, गोले का कोई
व्यास है। एनपी एक रेखाखंड है जो गोले के बिंदु एन, जिसे कि उत्तरी ध्रुव बोल रहे हैं, को आर्गंड समतल के बिंदु पी से जोड़ता है। ठीक है, माना एनपी रेखाखंड, या रेखा भी बोल सकते हो आप, माना एनपी रेखाखंड गोले को बिंदु पी स्टार पर काटता है तथा माना पी स्टार के निर्देशांक कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है, अतः आर्गंड समतल के बिंदु पी के संगत गोले पर बिंदु पी स्टार है। ठीक है, तो यहां तक लिख लें। ठीक है भाई, तो ध्यान दे क्या किया है, एक गोला लिया गया था सबसे पहले, ठीक है, उसको आर्गंड समतल से कट करवा दिया, तो गोले का केंद्र बिल्कुल बीचों बीच काटा है हमने। सम्मिश्र तल पे कोई बिंदु था x प्लस आयोटा वाई टाइप से, उसके निर्देशांक एक्स वाई जीरो, गोले के उत्तरी ध्रुव एन से जोड़ा, तो ये जो जोड़ने वाला रेखाखंड है कहीं ना कहीं गोले को भी काटेगा, तो जहाँ गोले को काट रहा है उसको बोल रहे हैं पी स्टार। ठीक है, कि जहाँ गोले को काटा उसको पी स्टार, तो हर एक पी के रिगार्डिंग कोई पी स्टार मिलेगा, कि कोई भी बिंदु उठाओ आप यहाँ से एन से जोड़ो, बीच में एक ना एक जगह कट कर देगा तो गोले के पृष्ठ पे कोई बिंदु मिल जाएगा। तो सम्मिश्र समतल पे जितने भी बिंदु हैं उन सब बिंदुओं के संगत गोले पे कोई ना कोई बिंदु होगा, तो मैं यूं बोल सकता हूं कि गोले के समस्त बिंदुओं तथा सम्मिश्र समतल के समस्त बिंदुओं के मध्य एक एक की संगतता है, एक वन वन ऑन टू मैपिंग है। ठीक है, केवल एक बिंदु को छोड़ के, और वो बिंदु है एन, कि गोले के एन बिंदु को छोड़ दो आप, बाकी सारे बिंदुओं के रिगार्डिंग आपको जैसे जैसे कट करता जाएगा कोई ना कोई मिलता जाएगा। अब एन कब मिलेगा, ठीक है, तो देखो एन मिलेगा आपको इनफाइनाइट पे, एन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा इनफाइनाइट। कैसे होगा समझे, जैसे जैसे आप आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे इसको, ठीक है, कि अभी यहाँ कट कर रहा है, थोड़ा और आगे ले लो, थोड़ा और आगे ले लो, तो ये ऊपर कट करता जाएगा, और इस वाले को कब कट करेगा भाई, तो इस वाले के रिगार्डिंग जो लाइन होगी वो इस तरीके से होगी बिल्कुल पैरेलल, तो हम यूँ मान सकते हैं कि इस समतल को अनंत पे जाके कहीं कट करेगा। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट भी इंक्लूड कर लेते हैं सम्मिश्र समतल में, तब उसको बोलते हैं विस्तृत सम्मिश्र समतल, एक्सटेंडेड आर्गेंड प्लेन या एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स प्लेन है, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स प्लेन बोले तो उसका मतलब उसमें इनफाइनाइट शामिल नहीं होता है, इनफाइनाइट को एक पॉइंट कंसिडर नहीं करते हैं। जब इनफाइनाइट को भी एक पॉइंट कंसिडर कर लें तो उसको बोलते हैं विस्तृत सम्मिश्र समतल या एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें हम इनफाइनाइट को भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो जो इनफाइनाइट होगा कि अनंत दूरी पर स्थित होगा, उसको जब आप किसी रेखाखंड से जोड़ोगे एन से, तब वो कहीं कट नहीं करेगा, डायरेक्ट एन से जुड़ेगा, तो एन इनफाइनाइट पर मैप करेगा जाके। ठीक है, बाकी जो भी फाइनाइट पॉइंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं कट करते जाएंगे। ठीक है, तो यही लिखा हूं अब मैं, तो ध्यान रहे गोले का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर वन। ठीक है, अभी यूज मिलेंगे इसको। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्पष्ट है कि, ठीक है, स्पष्ट है कि गोले के समस्त बिंदुओं एन के अतिरिक्त, ठीक है, कि गोले के समस्त बिंदुओं तथा सम्मिश्र समतल, जिसको हम आर्गंड प्लेन भी बोल रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं पाई। ठीक है, बुक में पाई से डिनोट कर रखा है, इसलिए सम्मिश्र समतल पाई के समस्त बिंदुओं के मध्य एक
एक एक की प्रतिचित्रण विद्यमान है, ठीक है। इस तरीके से एक एक की प्रतिचित्रण मिल जाएगा हमको। एन के समवर्ती बिंदु, तो जो एन के समवर्ती बिंदु होगा कि जो एन के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, विस्तृत सम्मिश्र समतल। अब देखो विस्तृत सम्मिश्र समतल बोला है मैंने कि इनफाइनाइट शामिल कर लिया, तो विस्तृत सम्मिश्र समतल में अनंत होगा कि इनफाइनाइट वो पॉइंट होगा जो एन के समवर्ती होगा, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि देखो ये कोऑर्डिनेट मेरे को दिए हुए हैं एक्स वाई जीरो, ठीक है, ये दिया हुआ है मेरे को पी, तो मेरे को ये इस एक्स वाई जीरो के रिगार्डिंग ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि मान लो मेरे को ये दे दिया जाए कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मान लो 2+3 आयोटा दे दिया, तो आप तो ये बताओ कि पी स्टार का मान क्या होगा, ठीक है, कि गोले का समीकरण दे दिया कैपिटल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर एक, और ये दे दिया बिंदु जैसे 3+4 आयोटा, तो अब इसके रिगार्डिंग पी स्टार निकालो, तो पी स्टार कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो अब वो काम कर रहे हैं, तो अब पी स्टार के निर्देशांक पता करेंगे, तो बिंदु पी के निर्देशांक बता चुके हैं पहले ही एक्स वाई जीरो है, तथा बिंदु पी स्टार इसके भी बताए जा चुके हैं कि निर्देशांक हमने क्या लिए हैं कैपिटल एक्स वाई जेड हैं, ठीक है। रेखा एन पी का समीकरण, क्योंकि देखो ये जो पी स्टार बिंदु आपको दिख रहा है भाई ये क्या है एक्चुअल में, ये पी स्टार है क्या, पी स्टार रेखा एन पी और गोले का कटान बिंदु है, यही तो है, और है क्या पी स्टार रेखा एन पी और गोले का कटान बिंदु है, ठीक है पी स्टार। तो मैं रेखा एन पी का समीकरण लिख रहा हूं, तो जो चीजें दी गई है आपको उन्हीं के रिस्पेक्ट में ही तो लिखोगे, तो क्या क्या दिया हुआ है 001 और एक्स वाई जीरो, तो देखो यही हो गया एन पी का समीकरण, एक्स माइनस जीरो अपॉन स्मॉल एक्स माइनस जीरो कैपिटल वाई माइनस जीरो अपॉन स्मॉल वाई माइनस जीरो कैपिटल जेड माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन, सही लिखा है क्या भाई, ध्यान दो किसी भी रेखा का समीकरण होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन तो वो पॉइंट जिससे वो रेखा गुजर रही है, तो पॉइंट तो 001, तो एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह तो वो पॉइंट जहाँ से रेखा गुजर रही है, और एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन उन दोनों बिंदुओं का अंतर होता है जिन दोनों बिंदुओं से आपने रेखा ली है, या एक तरीके से बोल लो दिक अनुपात होते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं से जा रही है ना भाई एन और पी से, तो इन दोनों का अंतर एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जीरो माइनस एक, ठीक है। और मैं अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड उन निर्देशांकों की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को इस पी स्टार के निर्देशांक चाहिए, ठीक है। तो ये रेखा का समीकरण हो गया, कौन सी रेखा का, एन पी रेखा का, ठीक है। इसको बराबर कर दिया मैंने के, ठीक है, के कोई अचर है कोई कांस्टेंट है, ठीक है, जहां के वास्तविक संख्या है। तो जैसा आप ट्वेल्थ में लिख लिया करते थे रेखा का समीकरण वैसे ही लिखा है भाई, जो चीजें नॉन है, तो नॉन क्या थी, दिया हुआ क्या था, ये बिंदु दिया हुआ रहेगा, ये बिंदु दिया हुआ है ही, तो बस दिक अनुपात आ गए, बिंदु दिया हुआ था ही, तो रेखा का समीकरण आ गया जहां के वास्तविक संख्या है। तो अब आप मान निकालो कैपिटल एक्स का, तो कैपिटल एक्स का मान क्या आएगा, देखो एक्स इंटू के, सही है, तो एक्स के। आप मान निकालो कैपिटल वाई का, वाई इंटू के। आप मान निकालो कैपिटल जेड का, माइनस के, ठीक है। और देखो ये वन उधर जाएगा तो प्लस वन, ये ध्यान रहे भाई, जेड का मान वन माइनस के, तो ध्यान दे जेड का मान वन माइनस के क्यों आया, क्योंकि माइनस का तो के, ठीक है, और ये वन भी तो उधर जाएगा तो प्लस का वन, तो वन माइनस के। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जे कैपिटल जेड आगे तीनों के मान, ठीक है। तो जैसे ही तीनों के मान आ गए
अब ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है, दिख रहा है आपको पी स्टार कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कहाँ पे स्थित है? गोले पे स्थित है, रेखा और गोले दोनों पे ही तो है। चूंकि बिंदु पी स्टार गोले पर स्थित है भाई, अतः गोले के समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो गोले के समीकरण में रख दो, तो गोले का समीकरण था कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर कैपिटल जेड स्क्वायर बराबर एक, यही तो था गोले का समीकरण, तो उसमें उठा के रख दो ये। तो स्मॉल एक्स इंटू के का स्क्वायर स्मॉल वाई इंटू के का स्क्वायर और जेड की जगह रख दिया वन माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। तो बिंदु पी स्टार गोले पे भी स्थित है रेखा पे भी स्थित है, तो रेखा से तो निकाल लिया गोले में रख दिया, और अब आप के का मान निकाल लो। तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर के स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर, जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे एक का स्क्वायर एक के का स्क्वायर माइनस टू के बराबर एक, जो कट रहा है उसको काट दो और जो बचे उसे बचा लो भाई, एक से एक कट गया ठीक है। देखो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर टू के, तो एक के कॉमन आके जीरो में, ठीक है। तो केवल एक्स स्क्वायर इंटू के वाई स्क्वायर इंटू के और यहाँ माइनस टू ओनली, ठीक है। एक के कॉमन लेके जीरो में भेज दिया, तो इस तरीके से। तो नोट कर लें जल्दी से, फिर आगे करें इससे। अब बताओ k का मान क्या आएगा? तो यदि मैं k कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन और ये टू चला जाएगा उधर, कि दो को उधर भेज दिया k कॉमन निकाल लिया, तो k का मान आ गया दो बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन आ गया k का मान। अतः बिंदु p स्टार के निर्देशांक, तो k आ गया तो इसका मतलब बिंदु p स्टार के निर्देशांक आ गए, ठीक है। क्या है बिंदु P स्टार के निर्देशांक? देखो यहां रखो, यही तो थे कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, बिंदु P स्टार के निर्देशांक कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। तो रखो कैपिटल X का मान क्या था? स्मॉल x इंटू के, तो स्मॉल x इंटू के, तो K का मान रख दो क्या है? दो अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो स्मॉल एक्स इंटू के, तो के का मान रख दिया, स्मॉल एक्स के तो है ही साथ में के का मान रख दिया। स्मॉल वाई इंटू के, तो स्मॉल वाई तो है ही साथ में के का मान रख दो, दो बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन कोमा वन माइनस के, तो वन माइनस के का मान रख दो, ठीक है भाई। तो ओवरऑल लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन कोमा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन कोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर भाई लघुतम लोगे ना, और 1 में से 2 गया तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। तो ये निर्देशांक आ गए किसके? बिंदु P स्टार के। तो हर एक बिंदु P के संगत बिंदु P स्टार होगा, और यदि बिंदु P XY दिया हुआ है, तो अब देखो XY यदि आपको दिया हुआ है तो यहां आप XY रखो, अपने आप आपको कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक P के रिगार्डिंग P स्टार मिल जाएगा अपने आप, ठीक है, इनको सोल्व करने के बाद में। तो ये तो कार्टिशियन फॉर्म में हो गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें इन्हीं को ही, तो देखो इसका काम एक बार और पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी तो मैं मिटा देता हूँ, देखो इन्हीं को ही सम्मिश्र रूप में लिखूं यदि मैं, तो क्या होगा? यदि या चूंकि z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो ये जो कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z दिख रहे हैं भाई, इन्हीं को देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2x है भाई, x को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, और रियल पार्ट ऑफ z आपको ध्यान हो
तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, x बराबर होता है जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, यही था भाई, x बराबर जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, तो टू का मल्टीप्लाई इधर, तो टू एक्स, तो टू एक्स हो जाएगा जेड प्लस जेड बार, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मोड जेड स्क्वायर, क्योंकि मोड जेड क्या आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट हटाना है तो वर्क कर दो, तो मोड जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में वन ऐसे कैसे, ठीक है। टू वाई, वाई क्या होता है, जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा, तो टू तो इधर मल्टीप्लाई कराओ, तो टू वाई, तो टू वाई आ जाएगा जेड माइनस जेड बार अपॉन आयोटा, और फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मोड जेड स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मोड जेड स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मोड जेड स्क्वायर। तो ये लो, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गए, ठीक है, ये एक्स वाई की फॉर्म में थे, ठीक है। तो सेम टू सेम जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उन्हीं से भाई। तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड का मान था, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की टर्म्स में, ठीक है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की टर्म्स में, ठीक है। ये स्मॉल जेड है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये कैपिटल जेड है, स्मॉल जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ध्यान रहे स्मॉल जेड कैपिटल जेड। अब बुक में तो क्या है, निर्देशांकों को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड को एक्साई, ठीक है, नीटा और जीटा से डिनोट कर रखा है। अब ये सिंपल कई लोग बना नहीं पाते हैं, एक्साई नीटा जीटा, तो इसलिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ठीक है, इनसे डिनोट किया है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड का मान स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की टर्म्स में निकाला है, इसका उल्टा, उल्टा मतलब, उल्टे का मतलब यह है कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का मान कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की टर्म्स में, तो देखो कैसे आएगा, एन पी का समीकरण, तो एन पी का समीकरण ये था, एक्स माइनस जीरो अपॉन स्मॉल एक्स माइनस जीरो कैपिटल वाई माइनस जीरो अपॉन स्मॉल वाई माइनस जीरो, ठीक है, कैपिटल जेड माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन, ठीक है, ये था एन पी का समीकरण, ठीक है। यहाँ से मैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकाल सकता हूँ, तो देखो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख लो आप रेखा एन पी के समीकरण से, देखो कैसे निकलेगा, इसको और इसको बराबर करो इन दोनों को, ठीक है। पहली बात तो इस माइनस को हटाने के लिए ये उल्टा हो जाएगा, कि माइनस कॉमन ले लो ऊपर से तो वन माइनस जेड, ठीक है, कि इस माइनस वन को हटाना चाहूँ तो वन माइनस कैपिटल जेड अपॉन प्लस वन, ठीक है, तो ये माइनस हट गया कि ऊपर से माइनस कॉमन लेके इसको काट दिया। अब एक बार तो इन दोनों को लो, तो इन दोनों को लेके उल्टा कर लो दोनों तरफ, स्मॉल एक्स ऊपर चला जाएगा ये वन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान दे, स्मॉल एक्स ऊपर कैपिटल एक्स नीचे, वन ऊपर वन माइनस जेड नीचे, तो स्मॉल एक्स का मान आएगा कैपिटल एक्स अपॉन वन माइनस जेड, ठीक है, ये स्मॉल एक्स का मान है। स्मॉल वाई का मान बताओ सममितता से, अरे भाई इन दोनों को लेंगे उल्टा करेंगे तो एक्स की जगह स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई अपॉन वन माइनस जेड कैपिटल वाई अपॉन वन माइनस जेड, और स्मॉल जेड जो कि होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, सही है कि x प्लस आयोटा y, यही तो होता है स्मॉल z, तो x ऐसे कैसे आयोटा y, ये तो लघुतम है, लघुतम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो समीकरण दिख रहा है, देखो ये जो रेखा का समीकरण था, गोले के समीकरण को बोलना समीकरण एक, रेखा वाले समीकरण को बोल देना दो, इसको बोल देना तीन, ठीक है, और ये हो जाएगा चार। तो समीकरण तीन व समीकरण चार से स्पष्ट है कि गोले के समस्त बिंदुओं, ठीक है, कि गोले के समस्त बिंदुओं तथा आर्गंड
अब ये गोले के समस्त बिंदुओं में एन शामिल नहीं है भाई, ठीक है, एन के अतिरिक्त, क्योंकि एन कब आएगा, जब एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन लेंगे, अनंत पे मैप होगा, तथा सम्मिश्र समतल के समस्त बिंदुओं के मध्य एकेगी संगतता विद्यमान होगी, या ये खुद ही डिनो, ये खुद ही ये दर्शा रहे हैं कि एकेगी संगतता है, एक वन 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 टू रिलेशन है। कैसे दर्शा रहे हैं, देखो आप एक्स और वाई का मान रखो, उसके हिसाब से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड मिल जाएंगे। तो जो भी, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो भी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होगा उसके हिसाब से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मिलते जाएंगे, तो हर एक बिंदु के रिगार्डिंग, ठीक है, अलग अलग मान, तो अपने आप क्या मिल जाएगा, एक वन 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 टू रिलेशन सारे बिंदुओं के लिए मिलेगा। और या फिर आप डायग्राम से समझने चाहो तो डायरेक्ट समझ लो कि जोड़ते जाएंगे हम, कट करता जाएगा एक एक ना एक जगह, तो वो जो कटान बिंदु है वो सब, ठीक है। तो ये जो वन 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 टू मैपिंग है, एक एक की संगतता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, त्रिविम प्रक्षेप, ठीक है। तो नोट कर लें, फिर इससे आगे करते हैं। तो ध्यान दे भाई, इससे आगे तो एक क्वेश्चन है बुक में, जिसमें क्या करना है कि आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिया हुआ है और आपको ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड निकालने, ठीक है। तो देखो ये मैं लिखा हुआ रहने देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कोटा में और बीकानेर में आया हुआ है। क्या है, रीमान गोले, मैंने बता चुका हूँ रीमान गोले का मतलब यूनिट स्फेयर, यूनिट रेडियस वाला स्फेयर जिसका सेंटर जीरो पे हो। तो रीमान गोले पर जनरली जो हमने ये गोला लिया है, ये रीमान गोला, रीमान गोले पर बिंदु एक माइनस एक आयोटा और वन माइनस आयोटा अपॉन रूट टू के प्रतिबिंब ज्ञात करें। प्रतिबिंब का मतलब है इनके रिगार्डिंग जो भी बिंदु है, तो संगत बिंदु ज्ञात करें, प्रतिबिंब ज्ञात करें, ठीक है, उसका सेम मीनिंग है कि यदि सम्मिश्र तल का ये बिंदु एक है तो तुम ये बताओ कि ये गोले को, इस एक के संगत गोले पे कौन सा बिंदु होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ही मेरे पास में, देखो रिलेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में। तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिए गए हैं, आपको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड बताना है। तो सबसे पहला बिंदु यदि मैं लूँ, तो देखो सॉल्यूशन में, तो सबसे पहला बिंदु, ठीक है, जो कि है जेड बराबर वन, तो वन की इमेज बतानी है, तो वन को कैसे लिखेंगे भाई, वन प्लस जीरो इंटू आयोटा, ऐसे लिखेंगे वन को। और पॉइंट फॉर्म में लिखूँ तो वन कोमा जीरो, ठीक है, कि ये पॉइंट इक्विवेलेंट है किसके, वन कोमा जीरो के, ठीक है। तो 1,0, अब देखो इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल लो आप, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड डायरेक्ट क्या आएगा, तो एक्स की जगह एक वाई की जगह जीरो, तो एक्स की जगह एक वाई की जगह जीरो, तो ये हो गया 2/, एक्स की जगह एक वाई की जगह जीरो, एक्स की जगह एक वाई की जगह जीरो, क्लियर, 2 की जगह जीरो, x की जगह एक y की जगह जीरो, x की जगह एक y की जगह जीरो, x की जगह एक y की जगह जीरो। तो देख ले क्या आ रहा है इसका बिंदु, तो 2/2 एक, ये जीरो हो गया जीरो से गुणा होते ही, और ये 1-1 जीरो हो गया, तो एक जीरो जीरो, ठीक है। तो एक के संगत जो बिंदु होगा ना भाई, एक जीरो जीरो होगा, क्लियर। अगला डिस्कस करें कौन सा है, -1, ठीक है, कि दूसरे केस की बात करें, दूसरे बिंदु की, तो जेड बराबर -1, तो -1 को लिखा जाएगा -1+0 गुणा आयोटा, तो यह है -1,0, ठीक है। इसके समवर्ती बिंदु निकालूं,
तो रखो वापस से जो फॉर्मूला है, x की जगह तो माइनस एक, तो ये जाएगा माइनस दो, एक्स की जगह माइनस एक उसका वर्ग प्लस एक, वाई का मान जीरो, वाई की जगह जीरो रखो तो ये हो गया जीरो, एक्स की जगह, जब वाई की जगह जीरो रख दिया तो पूरा ही जीरो हो जाएगा ना भाई, करने की ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेशन। यहाँ एक्स की जगह रखा है अब की बार माइनस एक, लेकिन माइनस एक का वर्ग प्लस एक, वाई की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो, ठीक है। तो वापस से आप देखो तो माइनस का दो, नीचे एक और एक दो, तो माइनस दो बटा दो माइनस एक, ये जीरो और ये भी एक, माइनस एक जीरो। तो माइनस एक के संगत गोले पर बिंदु होगा माइनस एक जीरो जीरो, ठीक है। अगला बिंदु देखें क्या है, आयोटा, तो आयोटा के संगत कौन सा होगा, तो आयोटा के संगत देखें अब, तो ये जो बिंदु आपको दिख रहा है जेड बराबर आयोटा, आयोटा को लिखेंगे जीरो प्लस एक गुणा आयोटा, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप से, तो एक्स का मान जीरो वाई का मान एक, तो अब देखें एक्स वाई जेड, तो देखो एक्स का मान जीरो है भाई तो जीरो रखते ही पूरा का पूरा जीरो, वाई का मान एक है तो वाई की जगह एक रख दिया, एक्स का मान जीरो वाई का मान एक, यहाँ भी एक्स का मान जीरो वाई का मान एक, एक्स का मान जीरो वाई का मान एक, तो देख लो क्या आ रहा है बिंदु, तो जीरो दो बटा दो एक, एक माइनस एक जीरो, तो जीरो एक जीरो, ठीक है। तो गोले पर बिंदु होगा जीरो एक जीरो आयोटा के संगत, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या सम्मिश्र समतल में जो आयोटा है उसके संगत बिंदु आ जाएगा जीरो एक जीरो, ठीक है। और अब एक लास्ट बचा है वन माइनस आयोटा बाई रूट टू, तो इसको नोट कर लें फिर वो करते हैं। तो देखो अब वन माइनस आयोटा अपॉन रूट टू, तो अब जो फोर्थ पॉइंट है तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है जेड बराबर वन माइनस आयोटा अपॉन रूट टू, तो इसको लिखेंगे वन बाई रूट टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू गुणा आयोटा, ऐसे ही लिखेंगे इसे। तो यह है एक्चुअल में वन बाई रूट टू कोमा माइनस वन बाई रूट टू, ये ठीक है। अब ये मान रखो आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ठीक है, यहाँ रखो एक्स की जगह, तो क्या रखें एक्स की जगह वन बाई रूट टू, तो यहाँ रख दो, तो दो गुणा में आ जाएगा वन बाई रूट दो अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग करो एक बटा दो, वाई का स्क्वायर भी एक बटा दो क्योंकि वन बाई रूट टू का वर्ग तो वन बाई टू ही होगा ना भाई, और प्लस में एक है ही, कोमा वाई की जगह रखो, क्या रखें वाई की जगह वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू वाई की जगह भी माइनस, लेकिन माइनस का है ठीक है, तो माइनस का वन बाई रूट टू, तो वन बाई टू प्लस वन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर की जगह वन बाई टू, वाई स्क्वायर की जगह वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू वन बाई टू प्लस वन। तो अब देख लो इसके संगत बिंदु क्या आएगा, रूट दो से दो, रूट दो बार कट गया, एक बटा दो एक बटा दो, एक एक और एक दो, रूट दो से दो, रूट दो बार कट गया, एक और एक दो, और ये तो जीरो हो गया, एक बटा दो और एक बटा दो एक, एक में से एक गया जीरो, और इसी पॉइंट को आगे लिखो तो रूट दो से दो रूट बार कट गया, रूट दो से दो ये भी रूट बार कट गया और जीरो, तो ये पॉइंट आएगा गोले पे वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू जीरो। तो इस तरीके से तो पॉइंट दिए हों ठीक है कि हमें बिंदु दिए हुए हों सम्मिश्र समतल में और किस पे बिंदु निकालने हों गोले पे, तो सेम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे ठीक है। आप ध्यान दें इससे अगली थ्योरम, तो अगली थ्योरम है कि जो त्रिविम प्रक्षेप होता है ना वो वृत्तों को वृत्तों में या सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है। तो अब इसका मतलब समझे पहले तो ये क्या, थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे तो कई बार आई हुई है, सात आठ बार आ गई लगभग राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो क्या है कि जो त्रिविम प्रक्षेप है वो वृत्तों को वृत्तों में या सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है। तो इसका मतलब यह है कि देखो यदि मान लो इस गोले के अंदर कोई वृत्त है ठीक है, तो उस वृत्त पे जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं की आप इमेज लो समतल में,
ठीक है, तो जो बिंदु मिलेंगे वो भी एक वृत्त बनाएंगे या फिर सरल रेखा बनाएंगे। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि वृत्तों को वृत्तों या सरल रेखाओं में मैप करने का मतलब क्या है कि जैसे ये आप हमारे पास में क्या है, गोला है, इस गोले के ऊपर एक वृत्त है, ठीक है, कि इस तरीके से कोई वृत्त है, जैसे मान लिया यही है, ठीक है, कि ये वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त के जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, उन बिंदुओं की इमेज लें हम यहाँ समतल में, तो उनसे भी एक वृत्त ही बनेगा, ठीक है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो वो प्रूफ तो थ्योरेटिकली करेंगे, बाकी प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। एक तरीके से यूँ समझ लो, यहाँ पे हमने धागा बांधा है, ठीक है, अब इसको टच करते हुए घुमाओ आप इसको, ठीक है, इस सर्कल को टच करते हुए, तो नीचे भी क्या बनेगा, एक सर्कल ही बनेगा भाई जब ये घूमेगा। तो जो ऊपर यदि आप इसको टच करते हुए घुमाते हो इसको इस हिसाब से, तो नीचे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक ये जो निचला सिरा है ये भी क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। तो वृत्तों के सापेक्ष वृत्त ही मिलेंगे इस समतल में, ठीक है, तो ये प्रूव करना है थ्योरेटिकली, तो कर देते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, उसके बाद में पहला चैप्टर कंप्लीट है, तो ध्यान दें आप। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम 3D पढ़ रहे हों और व्रत की बात करें, तो व्रत का मतलब होता है 3D में, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो आप, एक गोला एक समतल, ठीक है, कि व्रत किस तरीके से लिखा जाता है 3D में, एक गोला और एक समतल, कि गोले को जब समतल काटे तो जो व्रत मिलेगा उसकी बात होती है, ठीक है। 2D में पढ़ें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप से कोई इक्वेशन, ठीक है, जिसमें एक्स वाई की टर्म नहीं हो, लेकिन 3D में जब भी बात करें सर्कल की तो 3D में हमेशा एक तो गोला और एक समतल। तो क्या है अगली जो थ्योरम है, 1.7.1, ठीक है, तो स्टेटमेंट, एक त्रिविम प्रक्षेप, ठीक है, कि एक त्रिविम प्रक्षेप व्रतों को, व्रतों में या सरल रेखाओं में, कि व्रतों को व्रतों में या सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है, तो एक त्रिविम प्रक्षेप व्रतों को व्रतों में या सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है, यह ठीक है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, एक व्रत लेके चलेंगे, ठीक है, और उस व्रत के रिगार्डिंग दिखा देंगे कि इधर भी एक व्रत है, ठीक है। तो कैपिटल एक्स वाई कैपिटल जेड निर्देशांकों में एक व्रत लेके चलेंगे और उनके अकॉर्डिंग दिखा देंगे कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड निर्देशांकों में भी क्या है, व्रत है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड का मतलब है गोले पे व्रत, और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड का मतलब है समतल में व्रत, क्योंकि इन्हीं के लिए तो हमने कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए हैं कि जो निर्देशांक अक्ष हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वो समतल के लिए हैं और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड गोले के लिए, ठीक है। तो उसी तो अब ये बात पहले ही बता चुकी है कि 3D पढ़ाई जा रही है, तो 3D में व्रत का मतलब होता है एक गोला और एक समतल। तो माना व्रत गोले एस तथा निम्न समतल का प्रतिच्छेदक है, तो मैं एक व्रत लेके चल रहा हूं गोले के ऊपर, तो गोले का समीकरण पहले बताया था कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर कैपिटल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एक ले लिया समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, इस तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं और 3D में बता दिया आपको जब भी व्रत की बात करूं तो व्रत का मतलब है एक गोला, इस गोले को जब कोई समतल काटेगा, ठीक है,
तो ये मान लिया आपने एक तरीके से कि यूं कोई समतल था यहाँ पे, ठीक है, कि यूं कोई समतल था भाई। तो इस समतल ने जब इस गोले को काटा ऊपर से, तो ऊपर एक व्रत मिल गया हमको, तो उस व्रत की बात हो रही है, ठीक है। तो एक गोला एक समतल जब भी साथ में लिखे हुए हों तो उसका मतलब हो जाता है व्रत। फर्स्ट ईयर में कई सवाल कर चुके हैं आप, ठीक है। तो 3D में जब भी व्रत की बात करें तो अपने आप समझ जाना एक गोला एक समतल। गोले एस का ये रीमान गोला, ये भाई उत्तरी ध्रुव, एन है जिसके निर्देशांक, हालांकि ये बात आपको पता है अभी अभी वो आर्टिकल करवाया इसलिए, लेकिन वो आर्टिकल नहीं किया हुआ होता तो इसलिए लिख रहा हूँ मैं, 001 है, ठीक है। तथा माना व्रत, ठीक है, यह है व्रत, माना व्रत पर स्थित कोई, ठीक है, अलग अलग ही दे दो क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी बाद में। तो इन दोनों को एक साथ जब भी लिख दूं ना एक और दो को, तो इसका मतलब हो जाता है व्रत, एक गोला एक समतल, ठीक है। तो माना व्रत पर स्थित कोई बिंदु पी स्टार, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड है, ठीक है। तो ये व्रत पे लिया है कोई बिंदु, तथा इसके संगत सम्मिश्र समतल में कोई बिंदु P एक्स वाई जीरो है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके संगत जो सम्मिश्र समतल है उसमें कोई बिंदु है एक्स वाई जीरो। तो देखो डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम या इमेज, बस वो चेंज क्या है वो समझ लें आप, कि अब की बार ये पी स्टार मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, कि ये है पी स्टार व्रत पे, ठीक है, कि यहाँ समझ लें आप कि ये कोई पी स्टार है। तो देखो एन पी स्टार, तो ये रेखाखंड जैसे ही आगे बढ़ाओगे समतल को कहीं ना कहीं कट कर देगा, तो जहाँ भी समतल को कट करेगा वो पी हो जाएगा। तो उस पी पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई जीरो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। इसलिए सेम टू सेम वापस से रेखा एन पी का समीकरण, समीकरण में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बिंदु वही है वापस एन पी स्टार पी, ठीक है। तो समीकरण क्या आएगा रेखा का वापस से, एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो स्मॉल वाई माइनस जीरो जेड माइनस वन जीरो माइनस वन, ठीक है, बराबर में वापस से मैं इसको के बोल दूंगा, कैपिटल एक्स एक्स के आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू के आ जाएगा, कैपिटल जेड माइनस का के और ये वन उधर जाके प्लस का, तो वन माइनस के आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। बस अब यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या हो गया है, ध्यान दो कि ये जो बिंदु पी स्टार दिख रहा है ना भैया आपको, ये व्रत पे लिया है अब की बार। तो ध्यान दो, चूंकि बिंदु पी स्टार व्रत पर स्थित है, अतः अब देखो व्रत पे स्थित है, तो व्रत पे स्थित है तो आपको दिख ही रहा होगा कि व्रत पे स्थित है, तो इसका मतलब गोले पे तो है ही और साथ में समतल पे भी है। आई बात समझ में कि व्रत मिला कैसे, तो व्रत तो कैसे मिला है, समतल गोला जो था उसको आपने काट दिया समतल से, तो जो किनार थी वही तो व्रत है। तो अब की बार गोले और समतल का कटान बिंदु है ये, तो ये जो पी स्टार है वो व्रत पे लिया है हमने, तो इसका मतलब ये गोले पे भी स्थित है और समतल पे भी स्थित है। तो बिंदु पी स्टार व्रत पर स्थित है, अतः यह गोले एक तथा समतल दो, समतल दो कौन सा भाई, ये दोनों पे स्थित होगा, तो दोनों पर स्थित होगा, तो दोनों को संतुष्ट करेगा, तो कराओ इन दोनों को संतुष्ट। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर की जगह तो ये रख ही देंगे, एक्स इंटू के का स्क्वायर, कैपिटल वाई की जगह वाई इंटू के का स्क्वायर और कैपिटल जेड की जगह वन माइनस के का स्क्वायर बराबर वन, और इस समतल में भी रखो
ए कैपिटल एक्स की जगह एक्स के, बी कैपिटल वाई की जगह वाई के, सी कैपिटल जेड की जगह वन माइनस के बराबर डी। तो ये दो इक्वेशन मिलेगी आपको, कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स के, कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई के, और कैपिटल जेड की जगह वन माइनस के बराबर डी। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इससे के का मान निकालो, इसमें रख दो। ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में। ठीक है, क्योंकि जैसा रिलेशन आएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, वही डिसाइड करेगा कि व्रत की इमेज व्रत मिलने वाली है या क्या मिलने वाली है। क्योंकि व्रत लेके चलें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड में, और इसके हिसाब से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड में देख रहे हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो नोट कर लें एक बार फिर इससे आगे। तो समीकरण तीन से के का मान निकालूंगा, समीकरण चार में रख दूंगा। तो ध्यान दें, तो पहला आर्टिकल समझ में आ गया तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसी के जैसे कैलकुलेशन है, इसमें भी सेम टू सेम वही सारे हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क है। तो समीकरण तीन से बताओ के क्या आएगा, अभी अभी हल कर चुके हैं पिछले आर्टिकल में ही। वहां पे मेरे पास में क्या आया था, टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, यही आया था इसको हल करने पर के। तो बार बार थोड़ी करेंगे, लिख दिया डायरेक्ट। समीकरण चार में रख दो, समीकरण चार में रखने पर, तो रख दिया समीकरण चार में। तो जब समीकरण चार में रखा ए एक्स इंटू के, तो के की जगह रख दिया दो बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, प्लस में बी वाई इंटू के, के की जगह रख दिया दो बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, प्लस में सी वन माइनस के, तो के की जगह रख दिया दो बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, और बराबर में डी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ध्यान दें। हाँ भाई, लघुतम क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन दिख रहा है लघुतम, सही है। तो इसको लघुतम ले लें, तो यहां बच जाएगा देखो 2ax, यहां बच जाएगा 2by, तो 2by प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, जब यहां गुणा होगा तो वन में से दो गया तो माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब जो लघुतम वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन था, वो इधर गुणा हो जाएगा जाके, क्लियर। ठीक है, आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या आ रहा है, पहली बात तो ध्यान दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या आ रहा है, हाँ भाई। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इधर है सी, और इधर क्या है डी, तो इस डी को इधर लाएंगे तो सी माइनस डी, सही है। अच्छा, बुक वाले के सी प्लस डी आ रहा है, अब उसका कारण मैं बता देता हूँ, बुक वाले के सी प्लस डी क्यों आ रहा है, क्योंकि वो समतल का समीकरण ये लेके चला है भाई, प्लस डी, उसने डी इधर रखा था। ठीक है ना, जबकि हमने जो समतल का समीकरण लिखा था उसमें मैंने बराबर डी लिखा था, ध्यान हो तो आपको, ठीक है ना, इसलिए ये माइनस का फर्क आ रहा है। तो इसका कोई इशू नहीं है, इस माइनस डी को मैं नया अचर बोल दूंगा कोई, कैपिटल डी, तो ये सी प्लस कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे उसका कोई इशू नहीं है, सेम वही है। तो फर्क क्यों आया है, क्योंकि बुक में प्लस डी, समतल के समीकरण में प्लस डी था इधर, जबकि मैंने डी किधर लिया है, मैंने डी इधर लिया है बराबर में, तो यदि मैं डी इधर लाऊंगा तो माइनस डी हो जाएगा ना, तो बुक में प्लस डी आएगा, मेरे जितनी भी डेरिवेशन है इसमें माइनस डी आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सी माइनस डी आया, ध्यान रहे। ठीक है, बाकी सेम है और कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा 2ax 2by, क्लियर। और देखो और बच क्या गया, बराबर, तो बराबर में क्या बच गया भाई, देखो माइनस का c और प्लस का d, तो ये प्लस का d तो उधर है ही, ये जो माइनस का c है उसको भी उधर ले चलो, तो प्लस c,
तो ये इक्वेशन मिली मेरे को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निर्देशांकों में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के गुणांकों की यदि मैं बात करता हूँ तो सी और ये डी इधर आएगा तो सी माइनस डी, टू ए एक्स टू बी वाई है ही, अचर पदों की बात करूँ तो माइनस सी उधर जाके प्लस का सी और डी इंटू वन डी है ही, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये किसका समीकरण दिख रहा है आपको, तो यदि आप इसको ढंग से देखो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक समान है, एक्स इंटू वाई का कोई पद नहीं है, तो इसका मतलब ये वृत्त का समीकरण है, ठीक है। तो जो वृत्त लेके चले थे वो किस पे मैप हो रहा है, वृत्त पे। तो यदि c माइनस डी नॉट इक्वल्स टू जीरो कि ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई गुणांक आएगा, मतलब ये पद रहेगा तो मिलेगा वृत्त। तो उपरोक्त समीकरण एक वृत्त को निरूपित करेगा, ठीक है। और यदि c माइनस डी बराबर जीरो, मान लो ये जीरो हो जाए, यदि ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो, तो x और y में एक घाती पद, x और y में एक घाती पद निरूपित करता है सरल रेखा को। तो उपरोक्त समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करेगा, क्लियर है। तो जो व्रत थे वो व्रत में या सरल रेखा में प्रक्षेप होंगे, ठीक है, कि उनका जो प्रोजेक्शन होगा वो सर्कल या स्ट्रेट लाइंस होगी, ठीक है। तो वो यहाँ से क्लियर है। अब बुक में यहाँ C प्लस डी है, उसका कारण मैंने बता दिया है क्योंकि बुक वाला प्लस डी लेके चला है, मैंने डी उधर लिया है इसलिए मेरे C माइनस डी है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ध्यान रहे।